दोस्तों, क्या आप WhatsApp स्टेटस पर फोटो के साथ सॉन्ग लगाना चाहते हैं? तो फिर आज मैं आपको सिखाऊंगा WhatsApp स्टेटस पर फोटो के साथ सॉन्ग कैसे अपलोड करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है स्टोरी बीट। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में आप ऊपर यहाँ पर सर्च करेंगे स्टोरी बीट। उसके बाद ये एप्लीकेशन आ जाएगी, आपको सिंपल इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ओपन पर टच करता हूँ। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपल इस प्लस के आइकन पर टच करना है और यहाँ पर अब आपके सामने एक फीचर आ जाएगा, जस्ट वन फोटो और वीडियो। आपको सिंपल यहाँ पर एक बार टच करना है और यहाँ पर अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर इस प्लस के आइकन पर दोबारा टच करना है और अब आपके सामने आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप अपने मोबाइल की गैलरी से जिस फोटो को सॉन्ग के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड करना चाहते हैं वो फोटो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं और हमारा जो फोटो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहां पर आपको करना क्या है, आपको नीचे यहां पर एक म्यूजिक का आइकन दिखाई देगा, गाना लगाने के लिए आपको इस म्यूजिक के आइकन पर टच करना है और यहां पर अब आपके सामने ढेर सारा म्यूजिक आ जाएगा। लेकिन ये म्यूजिक बाहर की कंट्री का है, हमारे किसी काम का नहीं है। हमें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपना मनपसंद गाना अपलोड करने के लिए यहाँ पर यूआर लाइब्रेरी पर एक बार टच करना है और अब यहाँ पर वो सभी सॉन्ग आ जाएंगे जो हमारे मोबाइल के फाइल मैनेजर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पर ये गाना सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच करना है और अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये गाना प्ले हो चुका है। आप गाने को जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप गाना सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर सही के निशान मतलब राइट के निशान पर टच करना है और अब यहां पर ये गाना हमारे फोटो के साथ लग चुका है। अब इस गाने को व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड करने के लिए आपको यहां पर शेयर के आइकन पर टच करना है। अब यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहां पर आपको नीचे एक फीचर दिखाई देगा, फ्री एक्सपोर्ट वॉचिंग एड। आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक एड चलेगा, तब जाके आप आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। हम यहाँ पर एक बार टच करते हैं और ये एड जब तक समाप्त नहीं होता तब तक आपको यहाँ से बैक नहीं करना है और जब एड पूरा हो जाएगा तब आपको यहाँ पर इस कट के आइकन पर टच करना है। अब यहाँ पर आप नीचे अगर ध्यान देंगे आपके सामने ये फीचर आ चुके हैं। आप इस फोटो को गाने के साथ इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं और भी सोशल मीडिया ऐप दिए गए हैं, लेकिन हमें व्हाट्सएप स्टेटस पर इस फोटो को गाने के साथ अपलोड करना है तो हम यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस पर टच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा व्हाट्सएप पर टच कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर माई स्टेटस पर क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर सेंड के आइकन पर टच कर देते हैं। अब हम दोबारा इस आइकन पर यहाँ पर टच कर देते हैं और अब यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन में अगर हम ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर अपने मोबाइल के होम पेज में आने के बाद व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो अपलोड हो चुका है। इसे देखने के लिए हमें यहाँ पर एक बार टच करना है। तो यहाँ पर कोई भी अगर हमारा फ्रेंड हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को ओपन करता है तो इस तरह गाने के साथ हमारा फोटो उसे दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गाना हमने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया है वो गाना यहाँ पर प्ले हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।